नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उनके द्वारा जो है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को एक नोटिस भेजा गया है। तो जी हां दोस्तों, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है, तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों से रिलेटेड यहाँ पर ये जो बड़ा अपडेट राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से निकल कर आ रहा है, जिसके तहत उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष समिति का जो संघर्षनात्मक आंदोलन है, तो इसकी जो नोटिस है दोस्तों माननीय श्रम मंत्री जी को भेजी है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में इसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि माननीय कमांडर अशोक जी राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय श्रम मंत्री और अध्यक्ष ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को भेजी नोटिस। नोटिस की प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय सभी सीबीटी के सदस्य, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर नई दिल्ली को भेजी गई। नोटिस के अनुसार संगठन ने तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के सैकड़ों आंदोलन करने के बाद और श्रम मंत्री जी के साथ कई मीटिंगें होने के बाद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर नहीं किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की विशेष और इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर संगठन के प्रस्ताव को दिनांक 20 अगस्त 2019 के अनुसार कम से कम पेंशन 7,500 रूपए और उस पर महंगाई भत्ता और वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन, इन मांगों को एक साथ उपलब्ध संसाधनों से मंजूर करने का निवेदन किया गया था। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की केंद्रीय कारिणी और राष्ट्रीय अधिवेशन में मंजूर प्रस्ताव के अनुसार यदि 30 दिन के अंदर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं की जाती तो आंदोलन को अधिक तीव्र किया जाएगा। दिनांक 1 नवंबर 2019 से 7 नवंबर 2019 तक ग्राम स्तर से लेकर तहसील, जिला, प्रदेश स्तर तक विविध प्रकार के संघर्षनात्मक आंदोलन पूरे देश में किए जाएंगे। दिनांक 4 दिसंबर 2019 दिनांक 6 दिसंबर 2019 तक दिल्ली में पेंशन धारकों द्वारा विविध प्रकार के आंदोलन भी किए जाएंगे। उसके बाद दिनांक 7 दिसंबर 2019 को दिल्ली में देश भर के लाखों पेंशन धारकों द्वारा दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर रास्ता रोको आंदोलन किए जाने वाले है। इन आंदोलनों में 60 से लेकर 80 वर्ष के पेंशन धारक सहभागी होंगे। किसी भी प्रकार की अनुचित घटना के लिए प्रशासन जवाबदार होगा। तो जी हां दोस्तों, इस नोटिस की जो कॉपी है तो यहां पर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय सभी सीबीटी के जो सदस्य है, माननीय सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर नई दिल्ली को भी दे दी गई है। तो जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ा अपडेट राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से निकल कर आ रहा है, जिसमें उन्होंने उनकी मांगों को मंजूर करवाने के लिए अलग अलग स्तर पर संघर्षनात्मक आंदोलन करने की बात इस नोटिस में बताई है। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो डिटेल नोटिस यहां पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को दी गई है, तो उसी के बारे में जो है दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में इसकी जानकारी दी। इस नोटिस में उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसका यहां पर क्लियर जिक्र भी किया है। तो जी हां दोस्तों, ये जो बड़ा अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रहा था, तो उसी के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। ये जो डिटेल नोटिस आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहां से आप जो है दोस्तों ये डिटेल नोटिस डाउनलोड करके आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इसी के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा किया जा रहा है, तो इसकी जानकारी उन सभी पेंशन धारकों को मिल सके जो अपनी पेंशन बढ़ोतरी की राह देख रहे हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी भी तरह से जो अपडेट आए तो आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।